हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर्स ज्ञान में। मैं आपको सैलरी शीट बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है सैलरी शीट बनाने के लिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम आप जानते ही होंगे। देन बेसिक सैलरी, डीए। डीए क्या होता है? डीए होता है डीएनएस अलायंस। इसमें क्या होता है? ये वो मनी है जो आपकी सैलरी में हर महीने ऐड किया जाता है। उसके बाद होता है टीए। टीए क्या होता है? ट्रैवलिंग अलायंस। इसमें क्या होता है? आप जो ट्रैवलिंग ट्रैवल वगैरह करते हो, उन सब का जो खर्चा होता है, ये हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होता है। देन क्या होता है? एचआरए। एचआरए मतलब होता है हाउस रिसोर्स अलायंस। इसमें क्या होता है? जो आपके रेंट वगैरह का खर्चा होता है, ये भी आपकी सैलरी में हर महीने ऐड होता है। उसके बाद क्या होता है? पीएफ, प्रोविडेंट। उसके बाद होता है ग्रोस होता है। ग्रोस में क्या होता है? ग्रोस में डीए, टीए, एचआरए और ग्रोस। एचआरए और बेसिक सैलरी, इन चारों का एडिशन होता है। ग्रोस में बेसिक सैलरी, डीए, टीए और एचआरए का सम जो होता है, वो ग्रोस कहलाता है। उसके बाद होता है पीएफ। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये आपकी सैलरी से हर महीने कट किया जाता है। ये आपके इंश्योरेंस के लिए पैसे जो होते हैं, वो आपके महीने आपकी सैलरी से हर महीने कट किए जाते हैं, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड, पीएफ। और प्रोफेशन टैक्स, ये प्रोफेशन टैक्स कहते हैं, वो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है। तो ग्रोस निकालने के लिए सबसे पहले हम इन चारों को ऐड करते हैं, बेसिक सैलरी, डीए, टीए और एचआरए। देन उसके बाद नेट सैलरी निकालने के लिए हम ग्रोस में से माइनस करते हैं पीएफ, देन प्रोफेशन टैक्स, और आपकी नेट सैलरी निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।